अभी 1-1 स्कोर है और 8:30 का टाइम बच गया और मज़ा आ रहा है अभी, बहुत अच्छा है। देखो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज थोड़े टाइम के बाद व्लॉग डाल रहा हूँ, बट इस वक्त अभी टाइम हो गया है 6 एंड मैं जा रहा हूँ अभी अपनी जॉब पे, पार्ट टाइम जॉब पे, तो मेरी बस आने वाली है। फिलहाल तो ये बस आई है, बट ये मेरी नहीं, इसके बाद मेरी वाली आएगी। सो आज की मेरी शिफ्ट है 7:00 से लेकर 1:00 तक, तो चलते हैं। आज आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर शिफ्ट वगैरह कैसा होता है, जितना हो सकेगा दिखाऊंगा। उम्मीद करूँगा आपको पसंद आए, ब्लॉग में बने रहना एंड आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। हरी जी, बस में बैठ चुके हैं हम लोग और अभी यहाँ से निकल रहे हैं हम। ये देखिए कुछ ऐसा नज़र, 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे में हम पहुँच जाएंगे और आज रात की शिफ्ट है। गाइस पहुंच चुका हूं मैं यहां पर जहां मेरी शिफ्ट है और आज जो ये शिफ्ट है, बात यह है कि यूरो, आपको पता है अभी यूरो चैंपियंस लीग चल रही है तो उसका सेकंड सेमीफाइनल है, तो ये एक डच क्लब है मेरे पीछे, तो यहां पर हमारी सिक्योरिटी की शिफ्ट लगी हुई है तो यहीं पर मैं आया हूं। और अभी 1-1 स्कोर है और 8:30 का टाइम बच गया और मज़ा आ रहा है अभी, बहुत अच्छा है। देखो जी भाई जान, हो गई अपनी शिफ्ट कंप्लीट। इस वक्त बज गए हैं 12:30 ऑलमोस्ट और मैं अभी वेट कर रहा हूँ बस का कि बस कब आएगी और हम अभी यहाँ से निकलेंगे। 1 घंटा तो लगेगा अभी यहाँ से वापस जाने में एंड अभी खाना वाना भी कुछ भी नहीं खाया भाई, तो खाना भी बनाएगा कौन, अब देखते हैं कुछ ना कुछ कर लेंगे। बट हाँ जी, ऐसा ही कुछ रहता है शिफ्ट्स वगैरह का। जिन जिन को नहीं पता था या जो जानना चाहते थे कैसी रहती हैं शिफ्ट, तो ऐसी होती है कुछ भाई, पता नहीं होता कब बुला लेंगे शिफ्ट के लिए, कब छुट्टी होगी शिफ्ट से, कुछ पता नहीं होता, तो ऐसा ही है बाकी। और अगर यार आप लोगों को, आप में से कोई अगर आना चाहता है यहाँ पर, यूके वगैरह आना चाहते हो और आप लोगों को कुछ जानना है तो आप मुझे बता सकते हैं एंड मैं आप लोगों की हेल्प ज़रूर करूँगा एंड कुछ भी आपको जानना होगा है ना, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हेल्प करूँ। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको कुछ अगर जानना है या जो भी वगैरह है जॉब के रिलेटेड या यूनिवर्सिटीज़ के रिलेटेड कुछ भी, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प करूँ। और खैर अभी यहाँ से निकलते हैं एंड बस का वेट कर रहा हूँ। चलें जी, बस मिल गई है हमें और अभी हम चल रहे हैं वापस घर की तरफ, और घर चलते हैं कुछ खा लेंगे फिर सो जाएंगे। आप मेरी आँखें देख सकते हैं, मेरे को नींद सी आ गई है अभी, बट चलें कोई मसला नहीं है, मिलते हैं सीधा घर में। तो गाइज पहुंच चुका हूं मैं वापस एंड इसी के साथ अभी यार सोच रहा हूं कि कुछ खाने के लिए बना लेता हूं क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं है और लेट हो गया है इस वक्त काफ़ी, ऑलमोस्ट 2 बज गए, हाँ थोड़ा ज़्यादा ही हो गया होगा 2 से टाइम। हाँ तो ठीक है यार, अभी कुछ खाना वाना खा लेते हैं एंड उसके बाद सो जाएंगे। तो यार यही था, मैंने सोचा आज आपको दिखाऊंगे किस तरीके से होता है राइट, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये होता है कि यार बाहर तो मज़े हैं, ये है वो है, ठीक है अपना एक मज़ा भी है बट उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। और जी हाँ, यही मैं आपको दिखाना चाहता था। खैर इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।